हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर चैट के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी बुक का एक्सप्लेनेशन, जिसे लिखा है रोंडा बायर्न ने। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई द सीक्रेट सीरीज की नवीनतम किताब द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी के बारे में। यह किताब उन लोगों के लिए एक जरूरी गाइड है जो अपने जीवन में प्यार, स्वास्थ्य और पैसा आकर्षित करना चाहते हैं। चाहे आप रहस्य पुस्तकों के शौकीन हों या आप अपने विचारों का उपयोग करके अपने जीवन को बदलने के तरीकों की तलाश कर रहे हों, यह किताब आपके लिए है। कल्पना की शक्ति। किताब में हम एक लड़की की कहानी पढ़ते हैं जो यह जानना चाहती थी कि क्या कल्पना सच में काम करती है। उसने अपने सपनों के पति को एक पत्र लिखा जिसमें उसने उनके सभी गुणों, दयालुता, हास्य और साझा रुचियों का वर्णन किया। उसने उनके साथ एक रोमांटिक डेट की भी कल्पना की। हैरानी की बात यह है कि कुछ समय बाद ही वह अपने पत्र में लिखे गए आदमी से मिली। वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उसी जगह डेट पर गए जिसकी उसने कल्पना की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वह हमारे लिए संभव है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके हम अपने दिमाग में कल्पना करके और महसूस करके अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी में क्या है? यह किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों को उजागर करती है और आपको अपनी जिंदगी में मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली तरीके सिखाती है। यह किताब किन लोगों के लिए है? जो लोग अपने जीवन में अधिक प्यार, स्वास्थ्य और धन चाहते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, जो लोग अपनी सोच और कल्पना का उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो लोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन चाहते हैं। द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए जरूर पढ़ें। कभी सोचा है कि आप प्यार के चुंबक कैसे बन सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है, और जब आप प्यार के बारे में सोचते हैं तो आप और भी ज्यादा प्यार आकर्षित करते हैं। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है ओपरा विन्फ्रे। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया है कि उन्होंने आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपने जीवन साथी स्टेडमैन ग्राहम को आकर्षित किया था। ओपरा ने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाया था। वह चाहती थीं कि उनका साथी दयालु, बुद्धिमान, मददगार हो और उन्हें बिना शर्त प्यार करे। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया जिसमें ऐसे चित्र और शब्द थे जो उनके आदर्श रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद ओपरा ने प्यार के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने खुद से कहा कि वह प्यार की हकदार हैं और उन्हें अपना आदर्श जीवन साथी मिलेगा। उन्होंने खुद को एक खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते में भी देखा, और कुछ ही महीनों में ओपरा की मुलाकात स्टेडमैन ग्राहम से हुई। उनके पास वह सब कुछ था जो ओपरा हमेशा से चाहती थी, और आज वे 30 से अधिक वर्षों से एक साथ हैं। यह पूरा ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों से चलता है। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि विमान प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता है। उड़ने में सक्षम होने के लिए भौतिकी के नियम नहीं बदले हैं, लेकिन हमने प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जिस प्रकार भौतिकी के नियम उड़ान, बिजली और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार एक नियम है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। किसी रिश्ते को बेहतर बनाने या नए रिश्ते को आकर्षित करने के लिए आपको इस नियम को अच्छे से समझना होगा। यह नियम है आकर्षण का नियम। मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले फूल से लेकर मिट्टी से पोषक तत्वों को आकर्षित करने वाले बीज तक, हर जीवित प्राणी को अपनी प्रजाति के प्रति आकर्षित करने तक, हर चीज का पता आकर्षण के नियम से लगाया जा सकता है। यह वही शक्ति है जो लोगों को दूसरे लोगों की ओर खींचती है। यह लोगों को समूह, समुदाय और समाज बनाने के लिए आकर्षित करता है।
जहां वे एक दूसरे के साथ समान हित साझा करते हैं। यह वही शक्ति है जो कई लोगों को विज्ञान की ओर और कई लोगों को कला की ओर खींचती है। आकर्षण का नियम वह शक्तिशाली नियम है जो परमाणुओं से लेकर अनगिनत आकाश गंगाओं तक सब कुछ संतुलन में रखता है। यह पूरे ब्रह्मांड में हर चीज में काम कर रहा है और यही नियम आपके जीवन में भी काम कर रहा है। अपने रिश्तों में प्यार कैसे आकर्षित करें, सकारात्मक सोचें। याद रखें, आप अपना जीवन अपने विचारों से बनाते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वह आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में आकर्षित होता है। अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक सोचें। प्रकृति के सभी नियमों की तरह आकर्षण का नियम भी एक प्राकृतिक नियम है जो हर जगह एक जैसा ही काम करता है। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में है। कभी सोचा है कि आपके आसपास की हर चीज, वो अच्छी हो या बुरी, आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है? जी हाँ, आकर्षण का नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाता है। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है जो आपके स्वास्थ्य, काम, पैसा, रिश्ते, हर चीज को प्रभावित करता है। मानो आपके विचार ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं और वो संदेश आपके जीवन में वास्तविकता बन जाते हैं। यह कैसे काम करता है? सोचिए, आपके मन में कोई ख्याल आता है और फिर उसके साथ जुड़ती है भावनाओं की शक्ति। यह भावना जितनी तीव्र होती है उतनी ही तेजी से वह ख्याल आपके जीवन में आकार लेने लगता है। इसे ऐसे समझिए, बिना ईंधन के रॉकेट नहीं उड़ सकता और बिना भावनाओं के विचार शक्तिहीन होते हैं। तो क्या करें? सकारात्मक सोचें, खुशी, प्यार, समृद्धि जैसे विचारों पर ध्यान दें, कृतज्ञता व्यक्त करें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, कल्पना करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद को देखें, भावनाओं को महसूस करें, खुशी, उत्साह, विश्वास जैसी भावनाओं को महसूस करें, नकारात्मकता से बचें, डर, चिंता, गुस्सा जैसी भावनाओं को दूर रखें। याद रखें, आपके विचार आपकी शक्ति हैं। आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनाते हैं। आकर्षण का नियम आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। यह सच है कि जितने बुरे विचार हम सोचते हैं उतना ही बुरा महसूस करते हैं और रिश्ते भी उतने ही खराब होते जाते हैं। जब हम किसी रिश्ते के बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं तो हम उन भावनाओं को भी बदल देते हैं जो हम उस रिश्ते के प्रति महसूस करते हैं। अगर आप किसी चुनौतीपूर्ण रिश्ते में हैं तो एक बेहद आसान और ताकतवर अभ्यास अपनाएं। हर दिन कुछ मिनट का समय निकालकर अपने दिल में दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार महसूस करें। अपना दिल खोलें और उस प्यार को ब्रह्मांड में भेज दें। यह अभ्यास आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह के नकारात्मक भावों को दूर करने में मदद करेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नकारात्मकता के साथ आप कभी भी किसी रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोध, गुस्सा या नकारात्मकता महसूस करना उसे आपके प्रति आकर्षित नहीं करता है, बल्कि दूर भगाता है। जब आप प्यार महसूस करते हैं तो आपके जीवन में भी प्यार आकर्षित होता है। यह सच है कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आपको किसी खास व्यक्ति या रिश्ते के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है तो अपने आसपास की हर चीज के प्रति कृतज्ञता और प्यार महसूस करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिश्ते में नकारात्मक परिस्थिति का सामना करते हैं तो इसका समाधान हमेशा सकारात्मक विचारों को सोचना और रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद अच्छा महसूस करना है। अपने रिश्ते में बदलाव से न डरें। याद रखें कि जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे भले के लिए होता है। बेहतर और अधिक अनोखी चीजों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड से इसे मांगने पर ध्यान दें। महसूस करें कि यह बदलाव हो रहा है और एक शानदार रिश्ता आपके पास आ रहा है। जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं वे लोग जो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते और बात करते हैं। वहीं जिनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं वे लोग जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते और बात करते हैं। आज से ही सकारात्मक सोचना शुरू करें और सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। नकारात्मकता को अलविदा कहकर प्यार का स्वागत करें और अपने रिश्तों में खुशियां लाएं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
नहीं, जैसे शब्दों को नहीं समझता। जब आप नहीं चाहता जैसे शब्द बोलते हैं तो यह उनका उल्टा अर्थ सुनता है। जब आप कहते हैं मैं बहस नहीं करना चाहता तो यह सुनता है मैं और बहस करना चाहता हूं। जब आप सोचते हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहता तो यह सुनता है मैं उन्हें खोना चाहता हूं। यह सब इसलिए है क्योंकि आकर्षण का नियम ऊर्जा पर काम करता है। आपके विचार और भावनाएं ऊर्जा कंपन हैं और ये कंपन आपके जीवन में चीजों को आकर्षित करती हैं। यदि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं तो आप अनजाने में उन्हें अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। लेकिन चिंता न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा सकारात्मक सोचने की जरूरत है। वास्तव में नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें महसूस करना महत्वपूर्ण है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप उन पर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। अपनी इच्छाओं की सूची बनाएं और उन्हें हर दिन देखें। कल्पना करें कि आपके पास पहले से ही वे सब कुछ है जो आप चाहते हैं। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको पसंद हैं। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करें। उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप उच्च कंपन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो सकारात्मक चीजों को आपके जीवन में आकर्षित करती है। कोई भी रिश्ता बेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप हर आलोचना के लिए 10 सकारात्मक विचार हासिल कर सकते हैं तो आप उस इंसान की वैसे ही बड़ाई करते हैं जैसे कि वो हैं। जब रोमांस की बात आती है तो बहुत से लोग मैचमेकिंग सर्विसेज और डेटिंग ऐप्स में अनगिनत घंटे और पैसा लगाते हैं और अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकर्षण का नियम ही अकेला रियल मैचमेकिंग सर्विस है और आपको बस अपने मनचाहे रिश्ते के बारे में सोचने और बात करने की जरूरत है। अपने साथी में जो भी सकारात्मक चीज आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें। उनकी दयालुता, उनकी बुद्धि, उनकी हंसी, जो भी आपको उनमें आकर्षित करता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को समर्पण करें। यूनिवर्स को अपने मैचमेकिंग पार्टनर को आपके पास लाने और आपको उनके पास ले जाने की अनुमति दें। और आखिर में विश्वास रखें। यदि आप आकर्षण के नियम पर विश्वास करते हैं तो यह आपके लिए काम करेगा। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं। आज ही इसका उपयोग करना शुरू करें और देखें कि यह आपके लिए क्या कर सकता है। क्या आप सच्चे प्यार की तलाश में हैं? क्या आप एक ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो प्यार, खुशी और सम्मान से भरा हो? अगर हाँ, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने सपनों का रिश्ता पा सकते हैं। यह कैसे काम करता है सोचें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका साथी दयालु हो, मजाकिया हो या बुद्धिमान हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास समान रुचियां हों? क्या आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके सपनों का समर्थन करे? विश्वास करें, एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो भी आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वह आपके जीवन में आकर्षित होता है। इसलिए यदि आप सच्चे प्यार को पाने में विश्वास करते हैं तो यह आपके पास आएगा। महसूस करें। अब आपको उस रिश्ते को महसूस करने की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि आप अपने साथी के साथ हैं। उन सभी चीजों को महसूस करें जो आप उनके साथ करना चाहते हैं। उनके साथ हंसना, उनके साथ बात करना, उनके साथ घूमना। जितना अधिक आप इसे महसूस करेंगे उतनी ही जल्दी यह आपके जीवन में आएगा। कृतज्ञता व्यक्त करें। अंत में आपको उस रिश्ते के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है जो आपके पास है, भले ही वह अभी तक आपके जीवन में न हो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। इसलिए हर दिन उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आप एक रिश्ते में चाहते हैं। विशिष्ट बने। जब आप सोच रहे हों कि आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं तो जितना हो सके उतना विशिष्ट बने। जितना अधिक आप जानते हैं
कि आप क्या चाहते हैं, उतना ही आसान होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे आपके पास लाए। सकारात्मक रहें, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। यदि आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो आप नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। इसके बजाय सकारात्मक रहने और उस रिश्ते के बारे में सोचने का प्रयास करें जो आप चाहते हैं। दृश्यकरण का उपयोग करें। हर दिन कुछ समय निकालकर उस रिश्ते की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। जितना अधिक आप इसे कल्पना करेंगे उतनी ही जल्दी यह आपके जीवन में आएगा। प्रयास करें। लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह आपके लिए काम नहीं करेगा यदि आप इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। नए लोगों से मिलने के लिए खुद को वहां से बाहर निकालें और उन चीजों को करें जो आपको खुश करती हैं। क्या आप एक ऐसे रिश्ते की कल्पना करते हैं जो प्यार, खुशी और समझ से भरा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके सपनों का साथी हो और आपके साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ दे? यदि हाँ, तो आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों के रिश्ते को आकर्षित कर सकते हैं। कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है जो आपको अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकती है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को उस दिशा में प्रोग्राम करते हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा और कंपन पैदा करते हैं जो आपके सपनों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। विजन बोर्ड अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करने का एक शानदार तरीका है। एक विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस पर आप उन तस्वीरों, शब्दों और वाक्यांशों को लगाते हैं जो आपके आदर्श रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पत्रिकाओं, समाचार पत्रों या इंटरनेट से तस्वीरें काट सकते हैं, या आप अपनी खुद की तस्वीरें भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब भी आप इसे देखें तो कुछ मिनटों के लिए बंद आंखों से कल्पना करें कि आप अपने आदर्श रिश्ते में क्या अनुभव कर रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करने का एक और तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं को लिखें। आप अपने आदर्श जीवन साथी के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में और आप एक साथ क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। जितना अधिक आप लिखेंगे उतना ही स्पष्ट आपकी कल्पना होगी और उतनी ही अधिक शक्ति आपके शब्दों में होगी। याद रखें कि जब आप बच्चे थे तो आप कितना खेलते थे और कितनी कल्पना करते थे। बच्चों में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है और वे आसानी से अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप भी अपनी कल्पना शक्ति को वापस ला सकते हैं और खेल खेल कर अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। आप अपने आदर्श रिश्ते के बारे में एक नाटक बना सकते हैं, या आप अपने जीवन साथी के साथ एक काल्पनिक दुनिया में जा सकते हैं। कृतज्ञता आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रचुरता लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप अधिक आकर्षित करते हैं। आप अपने रिश्ते में अधिक खुशी, प्यार और समृद्धि लाने के लिए कृतज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। आज से ही अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना शुरू करें। अपनी इच्छाओं को लिखें, विजन बोर्ड बनाएं और खेल खेलें। कृतज्ञता भावना विकसित करें और उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे आपके सपनों की ओर बढ़ने लगेगा। आपका स्वास्थ्य आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। यह कथन विक्टोरिया बेकहम के जीवन में सत्य साबित हुआ, जिन्होंने PCOS और ऑटोइम्यून विकारों जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना आकर्षण के नियम का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया। बेकहम ने खुलासा किया कि PCOS के निदान के बाद उन्होंने आकर्षण के नियम का सहारा लिया। उन्होंने स्वयं को स्वस्थ और जीवंत कल्पना करना शुरू किया, हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करते हुए। लेकिन उन्होंने केवल कल्पना पर भरोसा नहीं किया, बेकहम ने अपने आहार और जीवन शैली में भी बदलाव किए। उन्होंने पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सफल रहा। समय के साथ बेकहम के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वे PCOS लक्षणों को प्रबंधित करने में सक्षम हुई और ऑटोइम्यून विकार से मुक्त हो गईं। आज बेकहम एक स्वस्थ और जीवंत महिला हैं। वह एक सफल फैशन डिजाइनर, व्यवसायी और चार बच्चों की समर्पित मां हैं।
उनकी यात्रा आकर्षण के नियम की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। छोटे बच्चे स्वास्थ्य के असली अवतार हैं। उनमें असीम ऊर्जा, लचीला शरीर, निर्दोष मन और तनावमुक्त जीवन होता है। वे हर रात गहरी नींद सोते हैं और हर सुबह ताजगी का अनुभव करते हैं। यह स्वास्थ्य का आदर्श रूप है, जिसे हमें पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह संभव है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं, स्वास्थ्य सहित। आपको बस इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप बीमारी के बारे में सोचते हैं तो यह आपके जीवन में आएगा, लेकिन आप अपने विचारों को बदल सकते हैं और स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं। कैसे? सकारात्मक सोच। बीमारी के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। कृतज्ञता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। दृष्टिकरण। खुद को स्वस्थ और जीवंत कल्पना करें। पुष्टि। स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। याद रखें, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप स्वास्थ्य के बीज बोएंगे तो आप स्वास्थ्य की ही फसल काटेंगे। आपने सुना होगा कि पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं क्या कहती हैं। हमारे शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के इशारे पर चलता है। मानो कोई अदृश्य तार हमारे शरीर के हर अंग को जोड़ता है और उन्हें एक सूत्र में बांधता है, और वो सूत्र है हमारा अवचेतन मन। यह मन वो शक्तिशाली ताकत है जो सांस लेने से लेकर पचाने, सोचने और बीमारियों से लड़ने तक हर काम को बखूबी संभालता है। हैरानी की बात है ना? हम सांस लेने के बारे में नहीं सोचते, ना ही खाना पचाने की चिंता करते हैं। ये सब अपने आप होते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इन सब का निर्देशक है। यही चमत्कार तब भी होता है जब आप गलती से अपनी उंगली काट लेते हैं। खून बहना रोकने के लिए आपको क्या सोचने की जरूरत है? कुछ नहीं, आपका अवचेतन मन खुद ही काम पर लग जाता है, शरीर को ठीक करने का आदेश देता है और धीरे धीरे घाव भर जाता है। यह अद्भुत शक्ति हर जगह, हर स्तर पर काम करती है। मानो आपके शरीर में एक छिपी हुई दुनिया है जो आपके अवचेतन मन के हर इशारे पर झुकती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक रूप है। जिस तरह बाहरी दुनिया में आपके विचार, लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके अनुरूप ढलती हैं, उसी तरह आपके शरीर के अंदर भी यह नियम लागू होता है। आपका अवचेतन मन उन परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करता है जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। तो आइए मिलकर इस जादुई दुनिया को थोड़ा और करीब से जानें। जितना ज्यादा हम अपने शरीर के अंदर की इस अनोखी दुनिया को समझेंगे, उतना ही हम अपनी शक्तियों का एहसास कर पाएंगे और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। आज जिंदगी का आईना आपके अंदर क्या है, वही बाहर दिखता है। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी एक आईने की तरह है जो आपके अंदर की दुनिया को बखूबी दर्शाता है। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास ही वो रंग हैं जो आपके जीवन के कैनवास पर उभरते हैं। कोई बाहरी ताकत आपको या आपके स्वास्थ्य को नियंत्रित नहीं कर सकती, जब तक कि आप खुद ही उनको शक्ति न दें। सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश और सकारात्मक होते हैं तो आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं, और जब आप नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो आप थका हुआ और बीमार महसूस करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके मन और शरीर के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। आपके विचार ही वो बीज हैं जो आपके जीवन में फलते फूलते हैं। आप जो सोचते हैं वही आपके आसपास की परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करता है। यदि आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको सकारात्मक अनुभवों से घेर लिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं है, आपको उन भावनाओं को भी महसूस करना होगा जो आप चाहते हैं। खुशी, प्यार, कृतज्ञता, ये सभी भावनाएं आपके अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। हंसी और खुशी तनाव को दूर करने और बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और दर्द को कम करते हैं। तो याद रखें, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से
अपनी वास्तविकता को चुन सकते हैं। सकारात्मकता, कृतज्ञता और खुशी पर ध्यान केंद्रित करके आप एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार है। यह ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है जो कहता है कि जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। इस शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी से ही सकारात्मक सोचना शुरू करें और खुशी महसूस करें। आपका स्वस्थ और खुशहाल जीवन आपका इंतजार कर रहा है। पैसे का रहस्य, जितना चाहोगे उतना ही पाओगे। जितना अधिक आप पैसे के बारे में सोचेंगे उतना अधिक पैसा आपके पास होगा, यह कहना है नेपोलियन हिल का। सच तो यह है कि पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको बस यही करना होगा, सोचना, कल्पना करना और विश्वास करना। जिम कैरी, वो नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हॉलीवुड के इस दिग्गज कॉमेडियन ने अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ मेहनत और किस्मत को नहीं बल्कि आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी दिया है। कैरी का मानना है कि हमारे विचार और भावनाएं चुंबक की तरह काम करते हैं जो हमारी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने 1995 में खुद को $10 मिलियन का चेक लिखकर और हर दिन उसे कल्पना में इस्तेमाल करके यह रकम अपनी जिंदगी में खींची और वाकई उसी साल उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन की फीस मिली। यह कहानी आकर्षण के नियम की ताकत का जीता जागता सबूत है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ते हैं। यह नियम सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो, खुशहाल रिश्ते हों या शानदार करियर। तो देर किस बात की, आज ही अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें। कल्पना करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और हर दिन उन सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में खुशियों और सफलता की बहार आने लगेगी। याद रखें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से दूर रखें, विश्वास रखें, यकीन रखें कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। कल्पना करें, अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए कल्पना में देखें, कृतज्ञता व्यक्त करें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, धैर्य रखें, परिणामों के लिए जल्दबाजी न करें। अगर आप सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित और अनुमानित है तो आप शायद गलत हैं। इस अद्भुत ब्रह्मांड में अनपेक्षित मोड़ और अकल्पनीय संभावनाओं का खजाना छुपा है और यह खजाना आपके हाथों में है। बस आपके शब्दों और भावनाओं की शक्ति को समझने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अवचेतन मन नकारात्मक शब्दों को भी सच मान लेता है। इसलिए कभी भी खुद से न कहें, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, मेरे लिए ज्यादा पैसा कमाना असंभव है। जब आप पर्याप्त नहीं के बारे में सोचते हैं तो आप वास्तव में पर्याप्त नहीं की वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय प्रचुरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि आपके पास पहले से ही वह सारा धन है जो आप चाहते हैं। इसे महसूस करें, इसका अनुभव करें और विश्वास करें कि यह आपके जीवन का हिस्सा है। केवल शब्द ही नहीं बल्कि आपकी भावनाएं भी ब्रह्मांड के साथ आपकी बातचीत को प्रभावित करती हैं। जब आप खुश, उत्साहित और कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो आपके जीवन में और अधिक अच्छाई लाता है। विपरीत रूप से जब आप नकारात्मक भावनाओं में डूबे होते हैं तो आप नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। अपनी आकर्षण शक्ति की यात्रा शुरू करने के लिए छोटी चीजों से शुरुआत करें। एक कप कॉफी, एक सुंदर फूल या कोई भी छोटी वस्तु जिसे आप चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि आप इसे प्राप्त कर चुके हैं और इसके बारे में खुशी महसूस करें। जैसे जैसे आप अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं, आप धीरे धीरे बड़ी चीजों की ओर बढ़ सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है
कि जीवन एक अनपेक्षित यात्रा है। रास्ते में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन हार न माने। अपने शब्दों और भावनाओं की शक्ति का उपयोग करें और आप निश्चित रूप से अपनी किस्मत को गढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पैसे कमाने की चाहत हर किसी में होती है, मगर क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और भावनाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं? जी हां, आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करके हम पैसे की कशिश को और मजबूत बनाएं। सबसे पहले यह तय करें कि आपको कितने पैसे चाहिए। अस्पष्टता आकर्षण के नियम को भ्रमित करती है। क्या आप 10,000 रुपये चाहते हैं या 10,00,000 रुपये? स्पष्ट रहें और हां, यह सोचकर डरे नहीं कि इतनी बड़ी रकम कैसे मिलेगी। आकर्षण का नियम सीमाओं को नहीं मानता। एक बार जब आप अपनी इच्छा स्पष्ट कर दें तो विश्वास रखें कि वो पूरी हो चुकी है। जैसे आप बैंक से पैसे निकालते हैं और यकीन रखते हैं कि आपको उतनी ही रकम मिलेगी, वैसे ही आकर्षण का नियम भी काम करता है। पैसा पहले ही आपका हो चुका है, बस यकीन रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, खुशी महसूस करें। सोचिए कि जब आपको वो पैसे मिल जाएंगे तो आप कितने खुश होंगे। यह भावना आकर्षण का नियम को सक्रिय करती है और आपकी इच्छा को और तेजी से आपके पास खींच लाती है। खुशी एक चुंबक की तरह काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। याद रखें, यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। धैर्य रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, कृतज्ञता व्यक्त करें, कर्म करते रहें। आकर्षण का नियम बस आपकी मददगार है। अपनी इच्छाओं को बार बार दोहराएं, उन्हें जोर से बोलें, उन्हें लिखें, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें, खुद को उस स्थिति में देखें जब आपके पास वो सब कुछ हो। क्या आप भी पैसों की कमी से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो जिससे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें? तो फिर देर किस बात की। आज ही अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंजन चालू कर दीजिए और पैसों को अपनी ओर खींचिए। अपने मन में बार बार ये मंत्र गुनगुनाएं, पैसा मेरे पास ही रहेगा, मैं पैसे का चुंबक हूं, मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। जैसे जैसे आप ये मंत्र बोलेंगे, आपकी सोच और विश्वास बदलने लगेगा और आप पैसों के प्रति सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, आप एक चुंबक की तरह हैं जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करते हुए देखेंगे, आपकी चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप विश्वास और ज्ञान की शक्ति को जोड़ रहे हैं। और उस वक्त आप देखेंगे कि 10 करोड़ रुपये आपके लिए ब्रह्मांड में बस एक छोटी सी बात है। अब उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जैसे, मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है, मेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत मददगार हैं, मेरे पास सबसे अच्छे ग्राहक हैं, मेरे पास अब तक का सबसे अच्छा काम है, मुझे टैक्स में बड़ी छूट मिली है, या मैं पैसे का सम्मान करता हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो वो मुझे करने की अनुमति देता है। जब आप सच्चे मन से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों को आपके जीवन में लाएगा जिनकी आप इच्छा रखते हैं। कृतज्ञता अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन यह दुनिया के सारे पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहिए। याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। कृतज्ञता का अभ्यास करें और उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से ही हैं। कड़ी मेहनत और लगन से काम करते रहें, क्योंकि सफलता सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं मिलती। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, याद है ना, पिछली बार हमने सीखा था कि कैसे सकारात्मक सोच हमारे जीवन में प्यार और खुशियां ला सकती है। आज हम इस बात को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह सब कैसे काम करता है, सोचिए। हमारा मन एक चुंबक की तरह है, जो भी हम सोचते हैं वो उसी तरह की चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। सकारात्मक विचार
सकारात्मक अनुभव लाते हैं और नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभव। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, अपने अंदर प्यार, खुशी और कृतज्ञता की भावनाओं को जगाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं और वो हमें उसी तरह की ऊर्जा वापस लौटाता है। यह उतना ही आसान है जितना कि लगता है, बस थोड़ी सी मेहनत और लगन चाहिए। रोजाना कुछ समय निकालकर ध्यान करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने लक्ष्यों पर कल्पना करें। जितना ज्यादा आप सकारात्मक सोचेंगे उतना ही जल्दी आप बदलाव महसूस करेंगे। यह सिर्फ प्यार और खुशी के लिए ही नहीं है, आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके धन, स्वास्थ्य और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और फिर उस पर विश्वास करना होगा। याद रखें, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके पास वो सारी शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो देर किस बात की, आज ही शुरुआत करें और अपनी जिंदगी को जादू से भर दें। क्या आप प्यार, पैसा या सेहत में अटके हुए हैं? मानो कि आपको एक जादुई चाबी मिल गई है जो इन सारी मुसीबतों का ताला खोल सकती है। रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट बस यही है, जिंदगी के छुपे हुए राजों को खोलने वाली कुंजी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच की शक्ति से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चाहे वो बेहतरीन सेहत हो, प्यार से भरा रिश्ता हो या फिर ढेरों पैसा, द सीक्रेट आपको वो सब हासिल करने का रास्ता दिखाएगा। यह किताब इतनी खास क्यों है? रोंडा बर्न ने बड़ी ही आसान भाषा में लिखा है ताकि हर कोई इन जरूरी बातों को समझ सके। यह किताब आपको सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि बताती है कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इसमें सफल लोगों की प्रेरणादायक कहानियां भी हैं जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगी। यह किताब आपको वो सारे राज बताएगी जो आपको खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए चाहिए। यह किताब किन लोगों के लिए है? जो लोग प्यार, पैसा या सेहत में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतरीन हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अपनी सोच की शक्ति को समझना चाहते हैं, जो लोग एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो द सीक्रेट आपके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने और अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने में मदद करेगी। याद रखें, यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें बताई गई बातों पर विश्वास करते हैं और उन पर अमल करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, इस बुक समरी में इतना ही। कैसी लगी आपको ये बुक समरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली किसी बुक समरी में। धन्यवाद।